सूप रेडी हो गया है, ये देखो बहुत ही स्पाइसी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, शनिवार का दिन है, तो ये मैं नाश्ता बनाई हूँ, पोहा, और अपने हस्बैंड को देने गई हूँ। और लाइट ऑफ था इसलिए अंधेरा लग रहा था, और गेट भी थोड़ा सा खुला था तो हवा आ रही थी, तो मैंने बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट पोहा खा के बताइए। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोहा खा रहे हैं, मैंने बोला खा के बताओ कैसा है, उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा, टेस्टी है। और ठंड के मौसम में ना जल्दी सुबह, मतलब सुबह होती भी है ना, उठते हैं लेकिन अंधेरा जैसा रहता है तो लाइट जलाना ही पड़ जाता है। और हस्बैंड मेरे फिर खा के ऑफिस चले गए थे, रेडी तो पहले से ही थे वो ना हाथ धो के, फिर मैं यहाँ पूजा करने लगी थी, घर की सफाई कर ली थी झाड़ू वाड़ू लगा के। और बच्चे मेरे दोनों सो रहे थे, वो लेट तक बच्चे से सोते नहीं थे, लेकिन अभी ठंड का मौसम है, रात में भी लेट ऐसे भी सोते वो लोग, 12:30 बज ही जाता मेरे दोनों बच्चों को। तो अभी स्कूल भी नहीं है उसका, ऑनलाइन ही अभी चल रहा है इस वीक से, मंडे से, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, लोग सोए रहते तो मैं भी अपना पूजा कर लेती हूँ। और पूजा हस्बैंड को ऑफिस जाने से पहले ही करती थी, पर अब लेट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? आई हो आज आप अच्छे होंगे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, अभी मैं नाश्ता करूँगा, पोहा खाऊंगा। पोहा क्या खाओगे बेटा? पोहा। पोहा बाय। मेरे बेटे ने आज गुड मॉर्निंग किया, और ये नहा धो के मैं पूजा कर ली, तब तक ये मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, और अभी मुझे भी हाँ पोहा बनाई हूँ, जा रही हूँ इसे दे देने। और फिर मैं इन दोनों के लिए मैंने बॉर्नविटा वाला दूध बना दिया, रेडी कर दिया बना के, क्योंकि पहले दूध दे दूँगी फिर पोहा दूँगी खाने को। और ब्रश करा दिया था उसे मैंने, ये देखो आज मुझसे ना एक कप टूट गया। दूसरे से टूटता तो गुस्सा होती है, पर खुद से कुछ होता है नुकसान तो क्या करे, गुस्सा तो नहीं होता लेकिन अफसोस तो बहुत होता है। ना पड़ेगा, आ जाइए आप भी हमारे साथ। Try the new masala sprinkled Monaco pizza। और नाश्ता तो हमने कर लिया था, चाय भी पी लिया था, पोहा खा लिया था, पोहा मुझे उतना पसंद नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा लिया था। दोपहर का टाइम था, घर के सफाई फाई कर लिया था मैंने, पोछा अच्छा लगा के, फिर मैंने खाने में पूरी और सब्जी बनाई थी। मेरी बेटी देखो कैसे रो रही है। तो गाइज मेरा सब काम हो गया घर का, मुझे ना सर्दी हो गई है, सर्दी हो गई है तो अभी मैं जा रही हूँ आज रेस्ट करने, पर ये लोग मुझे सोने नहीं देंगे, मैं जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और तबीयत ठीक रहा, अगर अच्छी रही तबीयत तो कल वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगी, कल आराम करूंगी, इसे सोना है। और खाना भी हमने खा लिया, घर का जितने भी काम सब हो गया है, बस एक ही काम रह गया मटर छीलना, लेकिन अब ये छीलने ही नहीं, देखो रो रही है। कपड़े वपड़े भी सब धो के डाल दिया है, हवा इतनी चल रही है, जितने भी कपड़े डाल दिए सब नीचे गिर जा रहा है, देखो जितने डाला था सब नीचे गिर जा रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, क्या बताऊँ। अभी देख रहे हैं ना आप सब, आ जाओ, चलो मैं इसे सुला देती हूँ। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ, आज मेरे बच्चे सोए नहीं, आज मैं ही थोड़ी देर रेस्ट कर ली। तो ये क्या है, सर्दी जब होता है तो सिर जो है ना ये पकड़ लेता है, नाक तो जाम होता ही होता है, आँख और सिर दोनों ही भारी हो जाता है, लेटने से तो और भी ज़्यादा भारीपन हो जाता है। और जब भी मैं वीडियो में आती हूँ इसे देखो, हे मुझे आना है, तो मैं अभी बना रही हूँ मस्त कड़क अदरक वाली चाय। और चाय मैंने मतलब बना लिया है, बस पीने ही जा रही हूँ, तो देखती हूँ अदरक की चाय पीने पे कुछ रेस्ट मिलता है या नहीं, अगर नहीं आराम हुआ तो फिर हस्बैंड ने बोला है कि वो दवा लेके आएंगे। पर ये देखो मेरे कपड़े पे ना, ये जब मशीन में डालती हूँ ना, कुछ कुछ कपड़ों का जो कलर होता है ना एक दूसरे में लग जाता है, जिस वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गंदे दिखते हैं, देखो कैसा निशान पड़ गया है, दाग लग गया है।
ये कोई किसी चीज़ का ये दाग नहीं है, बस जो कलर छूटने वाले कपड़े मिक्स करके डाल देती हूँ ना, तो उसी सब कपड़े में मिक्स हो जाते हैं। अभी जा रही हूँ चाय पीने, और अभी देखो मटर भी छीलना, इतने सारे मटर हैं, छीला भी नहीं जा रहा, देखती हूँ चाय पी के छीलूँगी। और शाम तो हो गई है, पर पाँच बज रहा है, और चलती हूँ फिर। बच्चे मेरे देखो ना खेल ही रहे हैं, कब से सोए नहीं था, मैं सोने भी नहीं दी इन लोगों को। अच्छा हुआ नहीं सोए, सोए होते तो खैर मुझे आराम मिलता, नहीं भी सोए तो भी मैं इन लोगों को बोली जाओ अपना हॉल में खेलो, मैं अपना थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, इसलिए मैं रेस्ट कर रही थी। तो भी बस चाय पी के, और चाय पीने के बाद दोनों बच्चों को मैं थोड़ा रेडी कर दी, क्योंकि यार दोनों को नहलाई नहीं थी, तो क्या कर, एक दिन गैप करके नहलाती हूँ, तो रेडी तो किया नहीं था सुबह से, मैं खुद ही मुझे सर्दी सर्दी जैसा था, तो दोनों को बाल में ऑयल लगाया, कंघी किया, और स्वेटर वगैरह पहनाया, टोपी। तो सामने टीवी भी ऑन था, शाम के टाइम क्या इवनिंग के टाइम सॉन्ग लगा देती हूँ, मुझे भी देखना पसंद है और बच्चे भी अपना देखते रहते हैं। बच्चों को रेडी करने के बाद मेरा मटर बाकी था छीलना, तो मैं छीलने के लिए बैठ गई, फिर क्या रखा होता तो रखा ही रह जाता है, टाइम फिर अलग से टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा चलो सब कुछ हो गया है तो मैं मटर भी छील लेती हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे डांस कर रहे थे, गाना बज रहा था, तो और साथ साथ में मैं भी झूमने लगी थी बच्चों के साथ, बच्चे बन जाती हूँ मैं भी बच्चा बन जाती हूँ। इवनिंग का टाइम हो गया है, 7:15 बज गया है, और पूजा मेरी हो गई है, देखो अभी मैंने जस्ट पूजा किया। पीहू सो रही थी लेकिन फिर उठ गई, और पीहू क्या खा रहे हो? प्रसाद। ये प्रसाद खा रहा है, जो प्रसाद भोग लगाती हूँ ना वही प्रसाद खा रहा है, भी पूरी नहीं हुई है और लेगी। अच्छा मैं भी लूंगी। किट्टू ने भी देखी अगरबत्ती जलाया, सबको अगरबत्ती दिखाया, पूजा किया, और चलती हूँ अभी मैं ना, इतना सारा मटर निकला और जा रही हूँ अभी मैंने सूप पीने, मतलब ये तैयार सूप है, कोई बनाना नहीं है, मन चाहूँ सूप वह सूप है, चलती हूँ पी के शायद कुछ आराम मिले। ऐसे देखो कान का कैसा लग रहा है, मेरा जो सोने का कान का था ना, पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया है, जब से किट्टू के बर्थडे के दिन मैंने निकाला था और दूसरा इयररिंग्स डाला था, तब से मैंने कहाँ रख दिया, बहुत ढूंढ रही, मिला नहीं, ऐसे ही तब से कान में कुछ डाला भी नहीं था, तो आज भी बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो ये ऐसे ही मैंने डाल लिया, ऐसे पहनती नहीं, अभी निकाल के रख दूंगी इसे सोते समय, चुभता है गड़ता, और ऐसा पहनने का आदत भी नहीं है मुझे। पानी को गर्म करके उबलते हुए पानी में फिर इसको ये डाल देंगे जो पाउडर है सूप का।
ग्रेवी जैसा एकदम से गाढ़ा हो जाए तब तक इसको चलाते रहेंगे और ये अपने आप इसको गाढ़ा हो जाएगा सूप जैसा। फिर रेडी हो गया सूप, रेडी हो गया है ये देखो, बहुत ही स्पाइसी है, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, अच्छा है देखने में तो अच्छा लग रहा है। अब ये टेस्ट करने पे कैसा है, टेस्ट करने पे पता चलेगा कैसा टेस्टी है कि। बाकी तो अब पी के बताती हूँ कि कैसा है, अब न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, एक सेकंड, बाकी अच्छा है ये पी रहा है। पियो चलो अच्छा है पीने। बस वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ और उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और अच्छे वीडियो के साथ, और वीडियो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय।